तो चलिए आज आपको हम डिजाइनर सूट बना के दिखाते हैं। तो इसमें आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा और लेस लगेगा। ये सूट का नाप है 36 इंच, तो 36 इंच के नाप से इस सूट को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसका कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाते हैं करके। तो ये सूट बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले कपड़ा खोल लिया और इसे डबल फोल्ड में बिछा देना है। तो डबल फोल्ड में बिछा के अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा भी सिलवटना है। तो सबसे पहले सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसका लंबाई है 44 इंच, तो 44 इंच पे हम ना टिक लगाएंगे और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। अब इसका कटिंग कर लेंगे। तो पहले नीचे से कटिंग कर लेंगे लंबाई का नाप लगा के। तो इसके बाद अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 6.5 इंच पे लगाएंगे और आर्म होल भी 6.5 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ से दोनों निशान को मिला देना है। अब ये सब निशान मिलाने के बाद कंधा के पास से 1/2 इंच कम करना है। तो अब हम निशान लगाएंगे। तो एक निशान चेस्ट के लिए लगाएंगे, तो 7 इंच पे लगाना है। दूसरा निशान वेस्ट के लिए लगाना है, तो वो 14 इंच पे लगाना है। और तीसरा हिप के लिए, तो वो 21.5 इंच पे। तो सबसे पहले तो चेस्ट का निशान लगाएंगे 36 इंच पे। तो 36 का 1/4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच और उसमें हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे तो वो आ जाएगा 9.5 पे। तो अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट मेरा 30 इंच है, तो 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच और उसमें 1/2 इंच बढ़ा देंगे। तो हिप लेंगे 38 इंच का, तो 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा और इसमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो ये 10 इंच आ जाएगा। तो अब 10 इंच पे निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद सारे निशान को मिला देंगे अच्छे तरीके से। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट साइड होता है उसमें थोड़ा सा गहरा होता है, तो यहाँ से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगा देंगे और इसको इसमें मिला देंगे अच्छे तरीके से। ये फ्रंट साइज का है। तो अब हम गला का निशान लगाएंगे। तो गला हम 3 इंच पे लगाएंगे, तो 3 इंच पे एक निशान लगा देना है। तो गला की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से भी 3 इंच ले लेंगे और दोनों निशान को मिला देना है। अब इसमें शेप दे देंगे गला का, पूरा गोल गला का शेप देना है अच्छे तरीके से। तो इसमें शेप पड़ गया है। अब यहाँ से कंधा में भी लगा देंगे निशान एक बैक पार्ट का, तो दोनों निशान लग चुका है। तो अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से इसका कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो पहले इधर साइड से कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की लंबाई हम 13 इंच लेंगे, तो 13 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इधर से भी 13 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब दोनों निशान को मिला देंगे। अब इसको मिलाने के बाद खुली वाली साइड की तरफ से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे 5.5 इंच लगाएंगे निशान और 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे।
अब यहाँ से गहराई से मिलाते हुए निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को मिला देंगे। तो दोनों निशान को अच्छे तरीके से मिला के और फिर इसका कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से गला पट्टी जोड़ देंगे अच्छे तरीके से और चारों तरफ से इसमें कट लगा देंगे। इसी तरीके से इस गला पट्टी को भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर को जॉइंट कर देना है। शोल्डर जॉइंट कर देने के बाद फिर यहाँ से गला को पलट के और इस पे एक सिलाई चला देना है पूरे गला पे। अब लेस लगाना है तो लेस लगाने के लिए इसको एकदम किनारे से रख के बहुत सावधानी से इसको धीरे धीरे करके एक सिलाई पहले गला के पास से लगा दे तो पूरे गले पे एक सिलाई लगा दे और पूरे लेस एक तरफ से बैठा दे। अब फिर दूसरे साइड से जब सिलाई चलाएंगे तो इसके किनारे किनारे सिलाई चलाना है। एकदम सावधानी से सिलाई लगाएं ताकि थोड़ा सा भी झोल ना पड़े। झोल पड़ जाने के बाद डिजाइन बेकार हो जाएगा। तो घुमा घुमा के चारों तरफ लेस पे सिलाई चला देना है। तो बाजू के लिए नीचे एक सिलाई लगा देंगे उसके बाद इस पर लेस बैठाएंगे। तो लेस को एकदम किनारे पर रख के पहले एक सिलाई लगा देंगे और जब ये पूरा हो जाए तो फिर दूसरा सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे। वे पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से बाजू को शोल्डर के पास रख के ज्वाइंट कर देना है और फिर बाजू को यहाँ से लेके और नीचे तक सिलाई लगा देना है। अब ये पूरा में सिलाई जब लग जाए अब तो किनारे पे भी सिलाई लगा के और इसका सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखिए ये सूट बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए ये डिजाइनर सूट बनके पूरा तैयार है। तो गाइस देखिए ये सूट आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।